ये लद्दाख राइड के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। सको जो भी मेरा 20-25 दिन का टूर है वो सक्सेसफुल रहे, उसके लिए मैंने बहुत सालों पहले मैंने तैयारी कर ली थी। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर थे वो लोग भी पूछते थे कि भाई ये स्कूटर लद्दाख जाएगी या नहीं जाएगी और कब जाओगे, ये बहुत सारे सवाल थे। लद्दाख बजट ट्रिप करने थे क्योंकि आपको दिखाना था कि कम पैसे में ट्रिप होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरीज व्लॉग्स। 4-5 व्लॉग आप लोगों ने देख लिए रहेंगे और आने वाले 10-15 व्लॉग में भी यही कपड़ा मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग बाइक राइडिंग करके लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो यही हमारा सुरक्षा कवच है। और हम लोग अभी है दरास में, जो लेह लद्दाख का सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर ठंडी गिरती है। तो हम लोग श्रीनगर से कारगिल जा रहे थे, तो फोटोशूट वीडियो शूट और बहुत सारे आर्मी वाले लोग से बातचीत करते करते हम लोग को लेट हो गया, तो दरास में हम लोग शाम के कुछ 5-6 बजे रुक गए थे। ये होटल थी, अच्छा खासा बजट में मिल गई, देन यहाँ ही खाना पीना खाया, देन गाड़ी सर्विस करानी थी बट करा नहीं पाए क्योंकि यहाँ वाले लोग को आता नहीं है। और सर्विस का मतलब ये लोग सोचते हैं पानी से धोना और टायर पंचर ठीक करना। मेट्रो सिटी की बात करें, सर्विस कराना बोले तो ऑयल चेक कराना, देन गाड़ी इतनी चली है 2700 किलोमीटर, तो फिर बोलते ना उबड़ खाबड़ में कुछ ख़राब हो गया वो बदल दो, बट नहीं कर पाए। तो कारगिल कराएंगे या लेह में अभी कराएंगे ये है। एंड 5:30 बजे उठ चुके थे, अभी बजे है 6:15, यानी 1.25 घंटा लग जाता है रेडी होने को। ये अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है व्लॉगिंग के लिए, खाली कैमरा बाहर निकाला, अदरवाइज सब पैकिंग हो चुकी है देख लो। ये अभी जेरिकेन हमें लगेगा कि लेह लद्दाख जाते वक्त पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। तो जो आप जो जेरिकेन देख रहे हैं वो हम लोग ने श्रीनगर से कैरी किया था, बिकॉज अभी लेह तक जाते वक्त और लेह में जितना घूमेंगे क्या पता पेट्रोल पंप मिले ना मिले, यानी एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना चाहिए। सनी रेडी हो रहा है, सनी की गाड़ी ये रही, उसको भी लोड करना है। एंड ठंडी का मौसम है तो कल मेरा जो राइडिंग जैकेट है उसमें थर्मल वेयर रेन वेयर सब डाल दिया था। अब तक मुंबई से लेकर द्रास तक आया कुछ भी नहीं डाला था, अभी डालना जरूरी है क्योंकि ठंडी गिरना स्टार्ट हो चुकी है जो बर्दाश्त के बाहर होती है। तो आप लोग भी ये ध्यान रखना। तो द्रास होटल से हम लोग निकल चुके हैं, तो फर्स्ट स्टॉप लिया था हम लोग ने पेट्रोल पंप पे, टंकी फुल करवा ली। ये देखो ये जेरी कैन है अपना, उसको भी फुल करवा लिया, 1300 रुपये का पेट्रोल साथ में ले लिया। वो सब नहीं दिखा रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ कि द्रास में पेट्रोल है तो आपको कैरी करना पड़ेगा। अब तक मैंने कैरी नहीं किया था बट अभी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का रास्ता जैसे कारगिल जा रहे 62 किलोमीटर है, वहाँ से ले जाना है द्रास से, टोटल ले का रास्ता कुछ 282 किलोमीटर है और पहाड़ी एरिया है तो एवरेज गाड़ी कितना देगी मुझे भी नहीं पता। तो उस हिसाब से बोलते ना कि सेफ साइड पे मैंने एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करके रखा है, पेट्रोल पम्प बीच में मिले तो बहुत अच्छी बात है बट सेफ साइड से रखा है। बाकी तो वीडियो पूरी देखते रहो तो पता चली जाएगा आगे पेट्रोल पम्प मिला या नहीं मिला। द्रास में बहुत ठंडी थी रात को, तो उस हिसाब से हम लोग ने ना जैकेट के अंदर इनर लाइनर पहना हुआ है जैसे रेन कवर और थर्मल वेयर, बट अभी गर्म लग रहा है यार, जबरदस्त गर्म लग रहा है, पैंट में भी और जैकेट दोनों में पहना हुआ था बट बहुत गर्म लग रहा है। तो फिर कैसा होता ना कि जो मेहनत की थी ना यार अब तक की वो वेस्ट हो जाएगी। रात को 45 मिनट्स तक हम लोग ना मेहनत कर रहे थे कि भाई इसको कैसे चेन लगाए क्या करे, क्योंकि मुंबई में मेट्रो सिटी में भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ती रेन कवर की या रेल लाइनर की या फिर अपना थर्मल वेयर की। बाकी कल वाला वीडियो ना देखा तो देख लो, जोजिला पास क्रॉस किया था, मजा आ गई थी। चश्मे में ना फॉग जम रहा है ना, इसलिए वाइजर मैंने ओपन रखा तो हवा की आवाज आती रहेगी, तो माफ कर देना बट क्या करूँ, सिचुएशन ऐसी है, वाइजर ऐसे ही बंद करूँगा ना फॉग जम जाएगा तो आगे का रास्ता कुछ नहीं दिखेगा। तो हेलमेट का वाइजर खुला रख के बाइक चलाना पड़ता है जिसकी वजह से भाई विजिबिलिटी रहे और सूरज की किरणें ना आंखों में जबरदस्त चुभ रही है। मेरे हेलमेट में तो सनवाइजर है एंड दूसरा मैंने अपना बोलते ना कि वो कलरफुल वाला भी रिफ्लेक्टर वाला चश्मा भी लेके आया हूँ, बट अभी मैंने लगाया नहीं है कि हेलमेट में जो सनवाइजर है वो यूज कर रहा हूँ।
तो लद्दाख में गांव एरिया कुछ इस तरह का होता है, वहाँ पे सारे जानवर मिलेंगे, गाय घोड़े डॉगी तो यार एकदम मस्त मिलते हैं, एकदम कैसे बताओ जर्मन शेफर्ड के बाल कैसे होते हैं वैसे मिलते हैं। सुबह के बजे 8:30, ठंडा मौसम है, वो तो मैंने बोला ना कि जैकेट अपना पहना हुआ है, उसमें इनर लाइनर सब डाले हुए हैं, उसकी वजह से ठंडी थोड़ी कम लग रही है, अदरवाइज नॉर्मल चलाओ तो ठंडी है। एंड 60 की स्पीड मेंटेन करता हूँ, गांव एरिया आता है तो 40-50 हो जाती है। खाली ग्लव्स में ठंडी लग रही है, रीज़न ये है कि मैंने बताता हूँ जब होटल पहुँचूंगा ना तब, क्योंकि अभी बाइक चला रहा तो बता नहीं पाऊँगा आपको। वो जो प्रॉपर विंटर के ग्लव्स रहते ना वो नहीं मिले, क्योंकि वो रेन कवर वाले नहीं थे, तो मैं बोला यार क्या मतलब बनेगा, बारिश आएगी तो गिल्ली हो जाएगी, तो बोलते हाँ भाई कोई भी चीज़ ना वाटर प्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट होती है। मैं बोला यार तो 5,000 के ग्लव्स लूँ, उसके अंदर कुछ और जुगाड़ करूँ ना, तो वही मैंने जुगाड़ किया है, तो क्या किया है वो मैं बताऊँगा। शिमशा 3 किलोमीटर, अरे भाई पानी ब्रेक स्लो स्लो चलना पड़ेगा। लद्दाख में कविंग होती है और पहाड़ के बीचों में से ऐसे गाड़ी चलानी पड़ती है साइड पे, अरे यार क्या बड़े अच्छे अच्छे ऐसे अच्छे अच्छे जो भी है जानवर दिखाई दे रहे हैं, बाजू से नदी जा रही है, यहाँ से अपना पहाड़, यहाँ से वो पहाड़ पे ऐसे जाना है तो एक छोटा सा ब्रिज बनाया रहता है तो क्रॉस कर सकते हो, अगर बीच में आता है तो दिखाता हूँ। बट यहाँ पे गाड़ी चलाने में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी आ गई बाद में उसको ओवरटेक करना है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो अगर आप आते हो तो ये ध्यान देना। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया 60 की स्पीड में चल रहा हूँ और सामने पहाड़, कभी धूप कभी छाव ऐसे आती रहती है, ओवरटेक करते तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसमें भी क्या है हम लोग पहली बार आते हैं, ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं तो उनको पता है कि कैसे गाड़ी निकालना क्या करना, हम लोग पहली बार आए और नहीं चलाने आया तो कुछ तकलीफ हो सकती है ना, ये ध्यान रखना। बाकी वीडियो में तो पूरा रास्ता नहीं दिखा सकता, बट जितना रास्ता दिख रहा है तो समझ जाओ बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है, मज़ा आ रही है, कभी कभार खराब पैच आ रहे वो तो होते रहता है। सो फार सो गुड, वन लाइफ बेबी मचा दो। लेह लद्दाख का पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, ये रही अपनी गाड़ी, हाँ थोड़ी पिकअप नहीं ले रही है बट चल रही है, धोखा नहीं देगी। एंड बाकी एक वीडियो डाल रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे भी डाली है तो चेकआउट कर लो। सो गाइस मैंने बोला था ना लॉन्ग ट्रिप मारने वाला हूँ, तो मुंबई टू लद्दाख काफ़ी सालों से मेहनत की, जिम जाता था, स्ट्रेंथ बढ़ाई, पैसे जमा करना पड़ता था, बाद में ट्रैवल करेंगे तो क्या क्या प्रिपरेशन प्लानिंग करनी रहती है, सब कुछ किया। और ये भी बता दूँ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट बहुत किया कि ये गाड़ी नहीं जा सकती, लेके आया हूँ, और घर वालों ने भी ना बोला, बहुत लोगों के साथ छोड़े, किसी ने सलाह नहीं दी, बट मैं फाइनली पहुँचा हूँ लेह लद्दाख और वहाँ से खड़े होकर मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ और वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ। आप भी कर सकते हो, डीमोटिवेट जिद मत रखना, सोच समझ के जैसे मैंने प्लानिंग की वैसे आप भी करो, बाकी तो ब्लॉग मैंने बनाया चेकआउट कर लो। एंड बहुत सारे लोग हैं मेरे राइडर ग्रुप के, फैमिलीज वाले, रिलेटिव वाले, कॉम्प्लेक्स में बहुत मतलब बोलो तो 10,000 लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच के दिखाया। दोस्तों अभी थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
ये लद्दाख राइड के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत लोगों से लड़ा हूँ, कैसे बताऊँ। घर वाले लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि लद्दाख जा, एंड जो मेरा डेट था निकलने का उससे एक दिन पहले भी घर वाले लोग बोले मत जा, लोगों ने साथ भी छोड़ दिया, बट मुझे था कि करना है। कोविड आ गया था, पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, सिचुएशन हालात ऐसे रहते कि ख़त्म हो जाते पैसे, तो वापस जमा करता था। देन जैसे आप लोगों को बताया कि मैं यहाँ पे आने के लिए पैसे तो जमा करता था बट खर्चे हो जाते थे, और कोई साथ भी नहीं दे रहा था कि लद्दाख चले, क्योंकि मैंने सोचा था इतना बड़ा सफ़र ही आया कि लेने काटूंगा किसी को, साथ में लेके जाता हूँ एक बंदे को, बट सब मजाक उड़ा देते क्या लद्दाख जाएगा तू, ये वो स्कूटर पे होगी। संडे राइड जाता था, फिर मैंने जाना बंद कर दिया क्योंकि पैसे बचाने थे, ये पैसे बचेंगे तो मैं लद्दाख घूम सकूँगा, क्योंकि संडे राइड में 1000 रुपये चले जाते थे। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया क्योंकि स्ट्रेंथ लाना था, कि लद्दाख आओगे तो स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जिम गया, अच्छा खाना है जिसकी वजह से बॉडी में अच्छे से रिकवरी हो, और यहाँ तक का प्रिपरेशन भी कर सकूँ, जो भी मेरा 20-25 दिन का टूर है वो सक्सेसफुल रहे, उसके लिए मैंने बहुत सालों पहले मैंने तैयारी कर ली थी। वॉक करता था, जॉगिंग करता था, डिप्स है, बाद में लास्ट जिम ज्वाइन किया, किक बॉक्सिंग जाता था, योगा जाता था, सब कुछ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा इतनी प्रिपरेशन की थी मैंने कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखूँ, क्योंकि मुझे अस्थमा है, और ऑलरेडी मैं एक बार लद्दाख आ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आ चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या तकलीफ होती है, उस हिसाब से मैं पूरा प्रिपरेशन करके आया हूँ। और जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर थे वो लोग भी पूछते थे कि भाई ये स्कूटर लद्दाख जाएगी या नहीं जाएगी और कब जाओगे, ये बहुत सारे सवाल थे, तो आपको बता दिया मैं लद्दाख में हूँ, लद्दाख में मैं अपनी स्कूटर राइड कर रहा हूँ। तो जीत नहीं थी, सपना भी नहीं था बोल सकते, बट करना था ये मालूम था, कब करूँगा ये नहीं पता था, सो मैंने कर दिया। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको जो भी मेरी बातें आपके साथ रिलेटेबल लगती रहेगी तो प्लीज़ ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करो और बताओ कि मैंने किया, आप लोग भी कर सकते हो। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद कर सकते हो, ये डेफिनेटली है। कोई आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, आप डिमोटिवेट मत होना, बस यही मेरा कहना मतलब है। मैंने जैसे बताया, मैंने अपनों के साथ भी छोड़ दिए, मतलब मैंने नहीं छोड़े, वो लोग मेरे को छोड़ के चले गए, सोच लो। चलो कुछ ज़्यादा ही होस्टल उधर बस हो गया और रो दूंगा, रोना नहीं है, आवाज़ तो थोड़ी नम हो गई थी बातें करते, आपको समझ में आ ही रहेगा। और ये लद्दाख के रास्ते देख लो, मज़ा आ रही है बाइक चलाने को, खड़ी बस गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, कारगिल अपना द्रास में रुका था मैं, गया था जैसे सुबह आपको बताया, बट नहीं हो पाई, कारगिल में वो होती है और लेह में होती है। तो जैसे आपको नहीं पता तो बता दूँ, मुंबई से मैं अभी लेह तक आया हूँ, तो भाई 3000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, तो सर्विस करना तो बनता है, तो इसकी वजह से बोलते हैं ना लद्दाख में भी जो मैं घूमूंगा तो करीबन ज़्यादा भी नहीं तो 500 से 800 किलोमीटर और घूमूंगा लद्दाख में, तो गाड़ी साथ दे, उसके बाद मनाली जाना है तो वो भी किलोमीटर है, तो इसकी वजह से गाड़ी को सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, बस मिल जाए। बजट ट्रिप है ये भी मैं बता दूँ आप लोगों के लिए, मैंने बजट ट्रिप की है, मैं एक्सपेंसिव ट्रिप कर सकता हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो एक्सपेंसिव होटल में रहता हूँ, SUV गाड़ी लेके जाता हूँ, स्विफ्ट गाड़ी भी है, i10 भी है, तो वैसे घूमते हैं, बट लद्दाख बजट ट्रिप करनी थी क्योंकि आपको दिखाना था कि कम पैसे में ट्रिप होती है, और कम पैसे में ट्रिप होती है तो कितना पैसा लगता है, कौन से होटल में कहाँ पे रुकना चाहिए, कितने बजट में रुकना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से तबीयत ना हो, ये सब मुंबई से लेके अब तक के वीडियो में सब बताया। प्लीज़ डू चेक आउट माय लद्दाख सीरीज और शेयर भी करो लोगों के साथ,
बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं बनाई है, बट अपने स्कूटर बर्गमैन से नहीं आया हूँ। एंड मैंने जो बताया वो कुछ अलग बताया यूट्यूबर से, ये मैं बता दूँ। तो प्लीज़ डू चेक आउट माई लद्दाख सीरीज। गाड़ी चलाने में हमेशा ध्यान देना है, व्लॉगिंग करो या नॉर्मल मज़े लेने आओ, यहाँ तो भी यहाँ पे ब्रेक मार देना क्योंकि अपनी गाड़ी टर्न लेनी थी इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा लेता तो वो साइड रास्ते पे चले जाता।